नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 20% व्यापार छूट और 30% नकद छूट देता है, यदि सूची मूल्य यानी लिस्ट प्राइस 1200 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या होगा यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 20% का मतलब क्या होगा, 1/5 यानी 5 के ऊपर 1 की छूट, यानी बेचा कितने में, 4/5 में, ठीक है। तो सूची मूल्य कितना था, 1200, तो 1200 का कितना होगा, 4/5। फिर आगे जो डिस्काउंट दिया हुआ 30% यानी 3/10, 10 के ऊपर 3 की छूट यानी बेचा कितने में, 7/10, ठीक है ना। तो दूसरा डिस्काउंट कितना था, 30% यानी 7/10 से उसे गुणा कर देंगे, ठीक है। अब जो कटता है उसको काट देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, ठीक है ना। तो 24 चौक कितने होते हैं, 96, यानी 96 की 7 से गुणा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 7 × 6 = 42, 4 माइंड में रखेंगे, 9 × 7 = 63 और 4 = 67, ठीक है। तो 672 जो हो गया वो हमारा आंसर आ गया।